नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस मिशन में। और आज हम लोग पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस हैं, या फिर हम यू बोले कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही अहम डिस्कशन रहने वाला है, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस को, इससे पिछले वाले पॉलिटी के लेक्चर में, तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में एग्जीक्यूटिव रिलेशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बहुत अहम रोल निभाते हैं, और इसीलिए आर्टिकल 256 से लेके 263 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की गई है। पार्ट नंबर 11 है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो दिस इज आवर पार्ट 11 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत ही अहम पार्ट है। अच्छा, तो आइए जरा अब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के लिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंट समझना होगा। जैसे यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन कहाँ रहेगा, उसका एक्सटेंट कहाँ रहेगा, उसकी सीमा बेसिकली कहाँ तक रहेगी? तो इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका डोमेन, उसका एक्सटेंट, उसकी सीमा जो है वो रहती है टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, जो भारत की टेरिटरी है वहां तक इसका डोमेन रहेगा, इसका एक्सटेंट रहेगा। और जो स्टेट है उसका डोमेन रहेगा, उसका एक्सटेंट रहेगा टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एग्जीक्यूटिव है दिल्ली का, दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है बेसिकली, राजस्थान मान लीजिए, है ना, तो उसका विदिन द टेरिटरी ऑफ राजस्थान उसका एग्जीक्यूटिव पावर्स रहने वाली है, राइट। अब देखिए, जब भी स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सोचिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉज फ्रेम कर रही है या एग्जीक्यूशन कर रही है एग्जीक्यूटिव पावर्स को, या फिर हम यू बोले कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का वहां पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंटर के साथ में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, और इसको इंश्योर करने के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इनको फॉलो करना जरूरी है। देखिए, ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्लिगेशंस क्या हैं, किसके लिए हैं, कौन से हैं और किसके प्रति हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ऑब्लिगेशन की बात करेंगे ना, तो ऑब्लिगेशन में एक बहुत ही अहम पार्ट ये आ जाता है कि ये इंश्योर करना होगा कि जो लॉज फ्रेम होंगे वो लॉज होने चाहिए इन कंप्लायंस विद द पार्लियामेंट्री लॉज। जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज हैं, पार्लियामेंट द्वारा फ्रेम्ड नियम है, लॉज हैं, एक्स हैं, उनके कंप्लायंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, नो, इट शुड बी इन कंप्लायंस, राइट। उसके अलावा जो सेंटर का जो पावर है स्टेट में, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर, तो सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर्स को ब्रीच नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसे लॉज मत लेके आइए स्टेट गवर्नमेंट, डियर स्टेट गवर्नमेंट, आप ऐसे लॉज लेके नहीं आ सकते जिससे कि ब्रीच हो, इम्पीड हो, प्रिजुडिस हो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेंटर जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो कुछ डायरेक्टिव्स इशू करती है, सेंटर्स डायरेक्टिव्स टू द स्टेट। तो ये डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो ये कम्युनिकेशन के टूल्स है, पोस्टल सर्विसेज कम्युनिकेशन टूल्स है जो यूनियन गवर्नमेंट की है। बेसिकली ये पोस्ट ऑफिसेज, पोस्टल सर्विसेज, ये क्या है, ये यूनियन गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन टूल्स है। तो ये कम्युनिकेशन टूल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, इंटैक्ट रहने चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको कोई हार्म नहीं पहुंचे और इनका मेंटेनेंस प्रॉपरली होता रहे, राइट। उसके अलावा अगर देखा जाए, कम्युनिकेशन के अलावा आ जाता है क्या, रेलवेज आ गई, तो रेलवे जो है इनका भी प्रोटेक्शन करना जरूरी है स्टेट के द्वारा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, लिंग्विस्टिक का मतलब है, लिंग्विस्टिक का मतलब हो जाता है लैंग्वेज रिलेटेड, माइनॉरिटीज मतलब लैंग्वेज माइनॉरिटीज। तो लैंग्वेज माइनॉरिटीज जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनको इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा वो किस में दिया जाना है, मदर टंग में, ये इंश्योर करना होगा स्टेट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, एक
मराठी स्पीकिंग पर्सन अगर फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ हरियाणा है तो वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो उसके जो जैसे स्कूल चिल्ड्रन होंगे या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं वो मदर टंग में ही दिए जाने चाहिए, ये भी इंश्योर करना जरूरी है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटीज हैं, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स जो आ रही हैं उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, राइट? ये होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपर स्कीम्स एग्जीक्यूट करें, ड्रॉप करें, ताकि वेलफेयर हो सके शेड्यूल ट्राइब्स का, एसटीज का। और अगर इनके कंप्लायंस में कोई भी फेलियर होता है तो फिर ये माना जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट की वो फेल हो चुकी है, और अब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है बाय डिसमिसिंग द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को आप डिसमिस कीजिए और वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से किसी में भी ब्रीच होता है, कहने का मतलब ये है कि लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्युनिकेट करने की आजादी हो, उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेलवे सिस्टम आने जाने की आजादी होनी चाहिए। उसके अलावा जो लोग चले गए हैं किसी एक स्टेट में दूसरे स्टेट को छोड़ के, और अगर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं तो उनको प्रॉपरली वो एडजस्ट कर सकें, या फिर उनको उनको लेफ्ट आउट फील ना हो। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका भी इंक्लूजन हमारे ओवरऑल ग्रोथ में रहे, इसको इंश्योर करने के लिए ये डायरेक्टिव्स कोएर्सिव इन नेचर हैं। कोएर्सिव का मतलब है कि ये बाइंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कि इन्हें मानना ही मानना है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के बिहाफ पे जो रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास बाय द गवर्नर, उसमें प्रेसिडेंट्स रूल को रिकमेंड किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है। इट इज अ वैलिड रीजन, आई होप वो समझ में आया। इसीलिए भारत जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को टर्म को अपनाता है, और ये बेसिकली लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मूलभूत रूप से ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से है ना। अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या कहता है? देखिए, ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है ना। किस टाइप का अरेंजमेंट? ये फंक्शनल अरेंजमेंट है, इट इज ए फंक्शनल अरेंजमेंट, एक टाइप का फंक्शनल अरेंजमेंट है। ये फंक्शनल अरेंजमेंट में क्या होता है कि हार्मोनियस रिलेशन की बात की जाती है, किसके किसके बीच में? बिटवीन सेंटर सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मोनियस रिलेशन एस्टैब्लिश हो सके, इसके बारे में बात की जाती है, और जिससे कि पब्लिक वेलफेयर भी अचीव किया जाना है, तो पब्लिक वेलफेयर इज अचीव्ड। तो इस तरीके से हम लोग इसको चलते हैं ताकि पब्लिक वेलफेयर भी अचीव हो जाए और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप सेटअप हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट? सो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स और हमारे प्रधानमंत्री खुद वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जिसमें स्टेट्स को एक दूसरे से कंपीट करना होता है ताकि ओवरऑल नेशन की ग्रोथ हो सके, और नेशन की ग्रोथ जो डिफाइन की जाएगी वो अलग अलग स्टेट्स की ग्रोथ से डिफाइन की जाएगी। तो अगर स्टेट्स एक दूसरे से हेल्दी कॉम्पिटिशन में कंपीट करते हैं, विद अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी आउटलुक टुवर्ड्स ईच अदर, तो ओवरऑल नेशन का ग्रोथ होगा। ये है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फर्स्ट। तो आइए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक जो पार्ट आता है वो है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। अब म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस क्या है? इसमें है एक तो आर्टिकल 258 और 258A। तो देखिए, इसमें जो होता है वही इसमें भी होता है, बस यूनियन की जगह स्टेट आ जाएगा, स्टेट की जगह यूनियन। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। देखिए, प्रेसिडेंट इसमें, इसमें गवर्नर, ठीक है? इसमें जो कंसल्टेशन ली जाएगी, बेसिकली जो कंसेंट लिया जाएगा वो है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? और गवर्नर यहां पे किसका कंसेंट लेंगे? ये लेंगे कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? अब प्रेसिडेंट यहां क्या कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स की प्राइवेट प्रीवियस कंसर्न लेके, कंसेंट लेके ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 258 ये इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, गवर्नर उसी तरीके से कंसेंट लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की और अपनी खुद की पावर्स, यानी ट्रांसफर ओन पावर्स, खुद की पावर्स, है ना, खुद की पावर्स, खुद की एग्जीक्यूटिव पावर्स, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड ये है ना। सो ट्रांसफर ओन पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कैसे, क्या समझ में नहीं आया। देखिए, जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है, जैसे एशियन गेम्स हुए या फिर आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, अगर भारत उसकी होस्टिंग कर रहा है तो मान लीजिए उसे होना है, लेट अस से फॉर एग्जांपल इन अ वेरी डायनेमिक सिटी ऑफ इंदौर, मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल इंदौर में होना है इसे, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है इवेंट के शुरू होने से कुछ समय पहले से लेके कुछ समय बाद तक, मान लीजिए 2 मंथ्स के लिए, इनके लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्या करेंगे गवर्नर, यहां से अपनी खुद की कुछ पावर्स, जैसे पोलिसिंग हुआ है ना, तो पोलिसिंग को किसको ट्रांसफर कर देंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 2 महीने के टाइम पीरियड में लेट अस से ऐसा हुआ। तो ऐसा ये कॉपरेशन दिखाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म है, राइट। नेक्स्ट है एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म। एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म जो है ये आपका एक कुछ रिजोल्यूशन की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपसी स्टेट्स हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं उनमें सबसे प्राइमरी आता है रिवर डिस्प्यूट्स, है ना। रिवर डिस्प्यूट सबसे ज्यादा प्राइमरी है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में, सबसे ज्यादा अहम जो है वो रिवर डिस्प्यूट्स है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री तो क्लियरली डिमार्केटेड है और बहुत ही नॉमिनल डिस्प्यूट्स है अगर बाउंड्री को रिलेटेड है भी है तो, लेकिन जो रिवर डिस्प्यूट्स है वो सबसे ज्यादा है। जैसे कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट है ना, वो आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में है, बेसिकली पुडुचेरी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभी। तो ये क्या है, आपके डिस्प्यूट्स दिखाते हैं। तो इसमें इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व कौन से, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, इन इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट अंदर आ सकता है। पार्लियामेंट कैन स्टेप इन, वो स्टेप इन कर सकते हैं और स्टेप इन करके लॉज बना सकते हैं, और इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया भी। देखिए, इंटर स्टेट रिवर डिस वॉटर डिस्प्यूट, रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट, ISRWD एक्ट आया 1956 में। इसमें यह कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है साहब, वो प्रेसिडेंट एक ट्रिब्यूनल को सेट कर सकते हैं, और ये जो ट्रिब्यूनल है ये डिसाइड करेगा, डिसाइड अपॉन द डिस्प्यूट, ये हियरिंग करेगा और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसको सुनवाई होगी, इस ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होगी, और ये जो वर्डिक्ट है वो बाइंडिंग है, इसका जो वर्डिक्ट आएगा, जो फैसला आएगा वो बाइंडिंग है। और इवन ये भी समझिए कि जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, अब ये टर्म समझाता हूं, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, इवन इवन डिक्शन, इवन सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। कहने का मतलब, मान लीजिए रिवर वाटर डिस्प्यूट है तो एक ट्रिब्यूनल सेट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, उसमें पहले सुनवाई होगी। अब अगर कोई स्टेट इस सुनवाई से खुश नहीं है तो फिर वो रेफर कर सकते हैं, तो फिर वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन ओरिजिनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, ओरिजिनली पहले ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा। सो दैट इज वॉट एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म इज। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म में आर्टिकल, अच्छा बाय द वे ये आर्टिकल 263 था, 263, 262, सॉरी, दिस वाज आर्टिकल 262, नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 263। अब ये आर्टिकल 263 क्या है देखते हैं जरा। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया है, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट। देखो, कंसल्टेटिव का मतलब है कंसल्ट करना, है ना, टू कंस्टिट्यूट एन इंटर स्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट जो है वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, ताकि टू किस लिए,
देखिए ये क्या कर सकते हैं, किसी इसका काम क्या होगा कि जो डिस्प्यूट्स है उसके उसकी इंक्वायरी करना, उसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में एडवाइस करना, है ना। उसके अलावा जो कॉमन इंटरेस्ट ऑफ एरियाज हैं उनके बारे में बातचीत करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है, एम्पावर किया गया है। यहाँ पे पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था, ठीक है, ये डिफरेंस है। और जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका मतलब क्या है, वो इंक्वायर करेगा, राइट, और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, है ना, एडवाइस करेगा, बेसिकली टू रिजॉल्व द ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स। किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में। उसके अलावा दूसरा काम क्या है इसका, जो एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं स्टेट्स के लिए उनके ऊपर बातचीत करना, ये भी इसका काम है। तो 1990 में ऐसा हुआ भी, प्रेसिडेंट ने एक इंटर स्टेट काउंसिल बना ही डाली, इंटर स्टेट काउंसिल बना ही डाली। और देखो कंसल्टेशन ही होगा ना यहाँ पे, कंसल्टेटिव। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन बने, 6 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं इसमें। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट्स के, और प्लस दिल्ली के प्लस पुदुचेरी के, है ना। और अभी तक इनमें कुल 11 मीटिंग्स हुई हैं, और आखिरी मीटिंग में तो ये डिस्कशन हुआ था कि ये फालतू का है, क्योंकि जब हमारे पास में मेजर डिस्प्यूट यानी कि रिवर वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए दूसरा कमिटी है ही, है ना, एक हमने बना ही रखा है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें जरूरत क्या है, ट्रिब्यूनल जब है तो हाँ आप इसको स्ट्रेंथन कीजिए ताकि और ज्यादा डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। आप क्या मतलब कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की बात करते रहते हैं यहाँ पे बैठ के, आप क्या यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि क्या डिस्प्यूट्स पे एडवाइस होगी, नो। सो आप इसको स्ट्रेंथन कीजिए या खत्म कीजिए, ये डिस्कशन हुआ था लास्ट मीटिंग में। अच्छा, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स थे, ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सब कुछ। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स की क्या जरूरत पड़ी, देखिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ऐसा नहीं हो सकता, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स भी आने चाहिए। तो जैसे कि जोनल कमिटीज हुई, तो देखिए जोनल काउंसिल्स का फॉर्मेशन आपको पता है कि जब भारत का की आपको आजादी मिली तो भारत बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, इसीलिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी की फॉर्मेशन किया गया। तो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी ने जो 1956 में फॉर्म हुई थी, इसने कुछ 14 स्टेट्स बना के दिए और कुछ यूनियन टेरिटरीज आपकी बना के दी। तो उनके अलावा इन्होंने ये रिकमेंड किया कि आप जोनल काउंसिल्स बनाइए, यानी कि जोनल काउंसिल्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी 1956 के रिकमेंडेशंस पे हुआ था, राइट। तो ये इनका सेटअप है, ये इसका सेटअप है, इसकी वजह से ये सेटअप हुआ देश में। कौन कौन सी हैं, देखिए एक तो नॉर्दर्न, एक सदर्न, उसके अलावा सेंट्रल, उसके अलावा ईस्टर्न, उसके अलावा वेस्टर्न, ठीक है। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ये सारे के सारे जोनल काउंसिल्स हुए, है ना। अब जब ये जोनल काउंसिल सारे के सारे हुए तो इसमें क्या है, इसमें क्या डिस्कशन होगा, इनमें ये डिस्कशन हुआ होगा कि जैसे यहां पे नॉर्दर्न लोग हैं, नॉर्दर्न लोग की एस्पिरेशंस अलग है, सदर्न लोगों के एस्पिरेशंस अलग है, सेंट्रल रीजन है वहां पे लोग ऐसे हैं उनका कुछ कॉमन एस्पिरेशंस होंगे, है ना। तो इन्हीं कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इन्हीं प्लेटफॉर्म के बारे में ये इंटरेस्ट, है ना, इन्हीं प्लेटफॉर्म के लिए इनका गठन हुआ था, इनको डिस्कस करने के लिए। और अगर बात की जाए तो जो होम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो, बिकॉज होम मिनिस्टर है इसीलिए एक्स ऑफिशियो ये चेयरमैन है ऑफ द जोनल काउंसिल्स, सारे के सारे जोनल काउंसिल्स। इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर्स, है ना, जो उस जोन के स्टेट्स हैं उनके सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर होंगे। उसके अलावा 1971 में एक और जोनल काउंसिल, छठवां जोनल काउंसिल सेटअप किया गया, वो था नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट, जी हाँ। और ये किसके अंडर में, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंडर में नहीं है, ये बना आपका नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के तहत जो 1971 में आया था, तो उसके तहत इसको फॉर्म किया गया।
तो ये ऐसा एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के आ सकता है, राइट। अब देखिए इनमें जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि सब कुछ वो सेंटर बायस है। इसका कहने का मतलब हुआ, सेंट्रल बायस का मतलब क्या है कि देखिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, कब इसको स्टार्ट करना है, मीटिंग्स कब कन्वीन होंगी, उसके अलावा एजेंडा क्या होगा, किसके ऊपर डिस्कस करना है, ये सब सेंटर तय करेगा, है ना। और इसमें स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस डिस्कशन में उनको बुलाया जाता है। सो दैट इज वाई ये थोड़ा सा ना एक ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बायस यहां पे दिखाई देता है ना। तो कॉपरेशन तो मतलब दोनों में बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए जरूरत ये है कि इनमें चेंजेस किए जाए और सेंटर का इन्वॉल्वमेंट भी रखा जाए, स्टेट का सॉरी इन्वॉल्वमेंट भी रखा जाए मीटिंग्स और एजेंडास के अंदर, राइट। उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में एक नीति आयोग भी आता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग एक थिंक टैंक बन के उभरा है भारत का, भारतीय सरकार का, और हर एक चीफ मिनिस्टर जो है ऑफ एवरी स्टेट इज ए मेंबर, और इसे हम लोग देखेंगे एक सेपरेट लेक्चर में। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं आसान भाषा में, लेमन टर्म्स में, रिसर्च बेस्ड यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की जाती है, रिसर्च की जाती है, बहुत ज्यादा उस पर सोच विचार किया जाता है कोई भी पॉलिसी को लाने से पहले। दैट इज द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्या है, ये 1962 में सेटअप किया गया और ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। अब आप सोचिए नॉन स्टेचुटरी बॉडी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक्ट द्वारा नहीं स्थापित की, ठीक है, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास करके की गई, बट बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन से इसको पास किया गया, राइट। उससे ये क्रिएट हुई थी। और इसका काम क्या है, जैसे माइनॉरिटी वेलफेयर्स हुए, है ना, माइनॉरिटी वेलफेयर्स वेलफेयर्स, उसके अलावा एडवाइसेस हुए, ठीक है, और ये एडवाइस किसको करता है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए भारत एक देश है जिसके अभिन्न अंग है, स्टेट्स उसके अभिन्न अंग है, तो बिकॉज लेकिन कल्चर्स अलग अलग हैं, पीपल अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो हमारे टुकड़े ना, हम इंटीग्रेटेड रहें, जुड़े हुए रहें, यूनाइटेड रहे, उसके लिए ये बहुत सारे मसलों पे अपनी एडवाइस, अपने माइनॉरिटी वेलफेयर्स को कैसे देखा जाए, उस पर क्या स्टेटस है, इन सब के बारे में एडवाइस करता है, राइट। अब इसका कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है ना, सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स होंगे, राइट, चीफ मिनिस्टर्स स्टेट्स के भी, दिल्ली के भी एंड पुदुचेरी के भी, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स सारे के सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे इसमें इन्वॉल्व्ड मेंबर्स हैं, उसके अलावा लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स आप देख लीजिए विमेन ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अलावा आप देख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए इसमें जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के, जो जर्नलिस्ट हैं वो होने चाहिए बेसिकली, उसके अलावा इसमें बिजनेस हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन है। अभी तक इसकी 15-16 मीटिंग्स हेल्ड हुई हैं और इसने उल्फा हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज यूएपीए प्रिवेंशन एक्ट 1969 इसको भी रिकमेंड, तो इन सारे लॉस को इंपॉर्टेंट लॉस को इसने रिकमेंड किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। So, ये था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आई होप आपको मजेदार तरीके से समझ में आया हो, बहुत अच्छे से आपको फील हुआ हो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेके इस चैनल पे मैं आता रहूंगा। प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट इज आर ओनली मोटिवेशन, कीप डूइंग इट, एंड ये आपके हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिसमें पूछा जाता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।